हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमन अरोड़ा टॉक्स कल दो वीडियोस मैंने अपलोड की थी क्यूबिक के बारे में एक थी पीपीआर नहीं आ रहे हैं और एक थी उसके बाद जैसे पता चला कि पीपीआर आ रहे हैं तो वैसे ही सर उसी टाइम मैंने एक दो घंटे के बाद जो है वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दी जिसमें मैंने बता दिया था कि पीपीआर किन कॉलेज के आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि सर सोर्स क्या है तो सोर्स के बारे में जो है फिर डिटेल सब डीपली जो है चेक करनी तो बनती थी इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में ही इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कॉलेज के जिसमें कैनेडा कॉलेज है स्पीरियर कॉलेज है वेनियर कॉलेज है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आ, शो बिजनेस कॉलेज है ये चार कॉलेज जो हैं इनके मैंने रिप्रेजेंटेटिव से बात की है जो हेड है इंडिया के जो आपके एलओए ऑफर लेटर्स ये इशू करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो इनसे मेरी बात हुई है और वाक में इन्होंने एक ही चीज बताई है कि सर ट्वेंटी फोर ऑफ फ़रवरी के बाद जो है ये गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो रखी है आ रही है बहुत सारे बच्चों को जो है पीपीआर आए हैं डायरेक्टली पीपीआर एआईपी का अब झंझट नहीं है इसमें डायरेक्टली क्योंकि पहले था कि एआईपी आएगा उसके बाद में पीपीआर आएगा अभी क्या है अभी जो उन्होंने बताया कि सर पीपीआर डायरेक्टली आ, आ रहे हैं अभी क्यूबिक के स्टूडेंट्स के नहीं ऑल ओवर कनाडा के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं सबके लिए पीपीआर आ रहे हैं डायरेक्ट तो एआईपी वाला तो अब झंझट नहीं रहेगा और उन्होंने डायरेक्टली ये चीज बताई है कि सर अभी प्रॉपरली जो है अगर मैं कल की बात करूं कनाडा कॉलेज की तो कल वीरवार के दिन थर्सडे के डे में तो कल बहुत सारे वीजा उनके अप्रूव हुए हैं कनाडा कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को

PPR आने स्टार्ट हो चुके हैं 24 फोर फेबर के बाद डे बाय डे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीपीआर चुकी हैं तो होप करूंगा आपके लिए राहत वाली खबर होगी ये वाली और जिनको आ चुकी है पीपीआर रिक्वेस्ट उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूं अपनी तरफ से और होप करूंगा आपको ये जानकारी आज प्रॉपरली सेटिस्फाइड करेगी जो बच्चों के ऊपर इतना बर्डन पड़ा हुआ है खासकर दिमाग में इतनी टेंशन है कि उनका क्या बनेगा क्योंकि वो क्लासेस लगा रहे हैं काफी टाइम से और फीसेस गई हुई हैं सो सबको होता है सबके टेंशन तो दिमाग में ऑब्वियसली बात है होनी बनती है इस चीज को लेके क्योंकि पैसे जब घर वालों ने दिए होते हैं तो उसके बाद अगर आपको इंडिया में रहकर पढ़ना पड़ रहा है तो ये घर वालों के लिए भी टेंशन वाली बात है और आपके लिए भी टेंशन वाली बात हो जाती है तो कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं खासकर कनाडा के क्यूबिक स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी डिस्कशन आपस में करते रहे उस ग्रुप में और आप सबके लिए वो फायदा हो उस ग्रुप के माध्यम से आप सब एक दूसरे के साथ टाइप में जो रह सके थैंक यू सो मच